गजवात या द होली वार्स, इसमें हमारे पास चल रहा है गजवा उहद। गजवा उहद वो गजवा है जिसमें हजूर सल्लम बजात खुद जख्मी हुए। हजूर सल्लम को जख्मी किया गया खुद की दो कड़ियाँ। सबसे पहले व्हाट डू यू नो अबाउट खुद, इसके हवाले से पूछा जाता है कि आप जंगी असबाब हर्ब या जंगी सामान में खुद के बारे में क्या जानते हैं। खुद ये एक जंगी टोपी हुआ करती थी जो आहनी थी यानी लोहे से बनती थी। उसको सर पर पहना जाता था, यानी आप उसको मौजूदा ज़माने का हेलमेट कह सकते हैं। ये हजूर सल्लम ने पहनी हुई थी जंग में, हजूर सल्लम ने खुद पहनी हुई थी। और खुद क्या था, ये एक जंगी टोपी थी जिसको आप मौजूदा ज़माने में इसको हेलमेट कह सकते हैं। और जंग के दौरान एक जालिम काफिर इब्ने खुद जंगी टोपी को कहा जाए। हजूर सल्लम के खुद पर अटैक हुआ उसकी तलवार की वजह से, जिसकी वजह से खुद की दो कड़ियाँ हजूर सल्लम के सर मुबारक में पेवस्त हो गई, जिसकी वजह से हजूर सल्लम जख्मी हुए। यानी गजवा उहद वो गजवा है जिसमें हजूर सल्लम जख्मी हुए। दो तरतीब से जख्मी हुए, दो तरीके से। एक हजूर सल्लम के दांत निकले और दूसरा खुद की दो कड़ियाँ हजूर सल्लम के सर में पेवस्त हो गई। इस हवाले से पूछा जाता है, ये खुद की दो कड़ियाँ किसने निकाली। खुद की दो कड़ियाँ अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाली। किसने? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दांतों के ज़रिए हजूर सल्लम के सर मुबारक से खुद की दो कड़ियाँ निकाली, जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने वाले दो दांत भी गिर गए। और दूसरा क्या हुआ, दूसरे जालिम काफिर की वजह से हजूर सल्लम के दांत टूट गए। हजूर सल्लम के दांत मुबारक टूट गए। और ये किसके हमले की वजह से? ये इब्ने वकास उतबा इब्ने अबी वकास, ये हजरत साद बिन अबी वकास के भाई हैं। हजरत साद बिन अबी वकास के एक भाई जो काफिर थे उतबा बिन अबी वकास, उसके हमले की वजह से ये आपसे पूछा जा सकता है कि हजूर। और ये पूरी सीरत की तारीख में, गजवात की तारीख में हजूर सल्लम को ये दो कारी जख्म लगे हैं। इसी निस्बत से आपसे कभी भी ये सवाल हो सकता है कि हजूर सल्लम पर सर के हवाले से अटैक किसने किया तलवार से, और उसके अलावा उतबा बिन अबी वकास के हमले से हजूर सल्लम के क्या टूट गए। हजूर सल्लम के दांत मुबारक टूट गए, सामने के नीचे वाले दांत राइट साइड पर दो दांत हजूर सल्लम के टूट गए, और हजूर सल्लम खुद की कड़ियों की वजह से जख्मी हुए। इस निस्बत से सहाबा कराम ने हजूर सल्लम को ये तजवीज़ दी कि आप सल्लम इनके लिए बदुआ करें, लेकिन आप सल्लम ने हाथ उठाए और क्या कहा, अल्लाहुम्मा अहदी कौमी, या अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे दीजिए, ये मुझे नहीं जानते। हजूर सल्लम ने बदुआ नहीं की। आप सल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, जख्मी होने के बावजूद, दांत टूटने के बावजूद हजूर सल्लम ने बर्दाश्त का सबक दिया और आप सल्लम ने उनके लिए बकायदा दुआ की। इस गजबे में, गजवा उहद में हजूर सल्लम के चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला शहीद हुए। आप सल्लम ने उनको सैयदुल शुहदा कहा। क्या कहा? सैयदुल शुहदा। इस निस्बत से पूछा जाता है सैयदुल शुहदा या शहीदों का सरदार क्यों कहा गया, क्योंकि आप सल्लम ने सहाबाए कराम को बताया कि आसमानों पर फरिश्ते इस शख्स को, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुल शुहदा या शहीदों का सरदार बताते हैं, इसलिए मैंने भी इनको सैयदुल शुहदा कहा, यानी शहीदों का सरदार। इस निस्बत से कहा जाता है कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा कितनी मरतबा पढ़ा गया? 70 मरतबा पढ़ा गया। तारीख़ इस्लाम में वाहिद शहीद हैं जिनका जनाजा बज़ात खुद हजूर सल्लम ने 70 मरतबा पढ़ाया। किस तरतीब से? ये भी सवाल, टेक्निकल सवाल है, सवाल के अंदर सवाल है।
किस तरतीब से? क्योंकि 70 मुसलमान शहीद हो चुके थे गज़वा उहद में, जब किसी मुसलमान का जनाजा किया जाता उसी के साथ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा भी रखा जाता, जब उसका जनाजा हो जाता उस शख्स का दूसरा शहीद लाया जाता। इस तरतीब से करते करते 70 मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा उन शहीदों के साथ पढ़ाया गया। और ये तारीख इस्लाम का वाहिद एजाज़ है जिसमें हज़रत सल्लम ने एक शख्स का 70 मरतबा जनाजा पढ़ाया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से पूछा जाता है कि ग़ज़वा उहद के शहादा को कहाँ दफन किया गया और किस तरतीब से दफन किया गया? इनको मैदान उहद में दफन किया और इनको दो दो तीन तीन चार चार लोगों को, दो दो तीन तीन चार चार शहादा को एक एक कब्र में दफन किया गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किस को दफन किया गया? हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, ये बहुत मशहूर साहबी हैं जिसकी क़ियादत में, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी क़ियादत में एक सरिया भी जा चुका था अब्दुल्ला बिन जहश की क़ियादत में। और ये वो शख्स है जिन्होंने हिजरत अफशा में भी शिरकत की थी। इनको हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दफन किया गया था। ग़ज़वा उहद के हवाले से मसला के हवाले से पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मसला, मसल्ला से क्या मुराद है? ज़ुअर है, मसल्ला से क्या मुराद है? लाश को मसख करना, किसी की लाश को मसख करना, लाश को जला देना, लाश को ख़राब करना ताकि कोई इसको पहचान ना सके। इस लाश को मसख करने के लिए मसल्ला का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। मसल्ला यानी लाश मसख कर जाना। इसमें काफ़ी सहाबा कराम के लाश मसख कर दिए गए। मसलन घाटी पर जो 50 अफराद का दस्ता तैनात था उसके सरबराह अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसकी लाश मसख कर दी गई थी। इसको कोई भी नहीं पहचान सकता था। और किसने मसख की, इसके हवाले से पूछा जाता है, इसका मसला किसने किया? इसका मसला मशहूर काफिर अबू जहल के बेटे अकरमा बिन अबी जहल ने किया। किसने? अकरमा बिन अबी जहल ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लाश का मसला किया, इसको मसख कर दिया। कोई इसको पहचान नहीं सकता था। बाद में उंगलियों के पोर से मुख्तलिफ़ निशानियों से इसकी लाश को पहचान लिया गया कि ये अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश है। और उसके अलावा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा दबाया गया, कलेजे को दांतों में चबाया गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाक और कान काटे गए जिनसे हार बनाया गया। और उसको हार को किसने पहना? अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने पहना। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अक्सर सवाल किए जाते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वाशी एक ग़ुलाम है, इस वाशी ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। वाशी ने बाद में इस्लाम कबूल किया? जी हाँ, 9 हिजरी में, हिजरत के 90 साल फतेह मक्का के फ़ौरन बाद 9 हिजरी में वाशी ने इस्लाम कबूल किया। अक्सर हमारे किताबों में लिखा है कि फतेह मक्का के बाद कबूल किया, हालांकि फतेह मक्का 8 हिजरी को हुआ। इन्होंने फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि फतेह मक्का के कुछ वक्त बाद 9 हिजरी में, कंफर्म ये डेट है, 9 हिजरी में वाशी ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन हज़रत सल्लम ने इसको एक हिदायत की कि वाशी आप मेरे सामने ना आए, जब आप मेरे सामने आते हैं तो फिर मुझे अपने प्यारे चाचा की याद आती। ये शख्स कभी भी हज़रत सल्लम के सामने फिर नहीं आया, हालांकि हुआ मुसलमान। इस हवाले से पूछा जाता है कि वाशी ने क्या कसम खाई? वाशी ने कसम खाई कि मैंने इस्लाम की तारीख में, तारीख इस्लाम में सबसे बेहतरीन शख्स को शहीद किया। अब कुफर की तारीख में, तारीख कुफर में सबसे बदतरीन शख्स को मैं हलाक करूँगा। उसके बाद हज़रत सल्लम के इंतकाल के बाद एक शख्स ने नबुवत का झूठा दावा किया, मसलमा कज़ाब, मुसलमा कज़ाब ने नबुवत का झूठा दावा किया। इस वाशी ने अपने इस कौल को, अपने इस वादे को निभाया और मुसलमा कज़ाब को हलाक किया। किसको? मुसलमा
कज़ाब, कज़ाब कहते हैं झूठे को, यानी इसने जो वादा किया कि मैंने हज़रत सलम को नहायत दिख पहुँचाई, हज़रत सलम को नहायत परेशानी पहुँचाई उनके चचा को शहीद करके, अभी कुफर की तारीख में मैं एक इस तरह का कारनामा करूँगा कि इस्लाम का उसमें नाम रोशन हो, और मुसलमान कज़ाब को हलाक कर डाला। ग़ज़वाए उहद के हवाले से, ग़ज़वाए उहद के हवाले से ये पूछा जाता है कि ग़ज़वाए उहद के बाद हज़रत सलम कब मदीना पहुँचे। हज़रत सलम सात शवाल को, छः शवाल को ये लड़ाई लड़ी गई, सात शवाल को हज़रत सलम मदीना मनवरा पहुँचे। और इस नस्बत से पूछा जाता है मुसलमानों के 70 बड़े बड़े अफराद शहीद हुए, बड़े बड़े कमांडर शहीद हुए, कुफार के कितने अफराद हलाक हुए? कुफार की तरफ से 24 अफराद हलाक, 9 अफराद पहले हमले में हलाक हुए कुफार के ग़ज़वे उहद में। कुफार के ज़्यादा मुफस्सिरीन और ज़्यादा सीरत निगारों ने 24 अफराद का लिखा है, 24 अफराद कुफार के इस जंग में हलाक हुए। लेकिन बाद सीरत निगारों ने ये लिखा है कि इस जंग में सिर्फ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 30 अफराद को हलाक किया, कितने, और ख़ुद भी शहीद हुए। बाद सीरत निगारों ने ज़्यादा लिखा है, लेकिन कंफर्म जो है वो 24 अफराद हैं, 24 अफराद कुफार के हलाक हुए, जबकि मुसलमानों के 70 मुसलमान शहीद हुए। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि ग़ज़वाए उहद के फौरन बाद एक दूसरा ग़ज़वा हुआ, उस ग़ज़वे के बारे में आप क्या जानते हैं? ग़ज़वाए उहद के अगले दिन हज़रत सलम ने दूसरे ग़ज़वे की तैयारी की, और वो कौन सा ग़ज़वा था? उस ग़ज़वे को कहा जाता है ग़ज़वाए हमरतुल असद। ग़ज़वाए हमरतुल असद ये वो ग़ज़वा है जिसमें हज़रत सलम ने वापस, ऐसा ना हो कुफार दोबारा मदीना पर हमला कर ले, ऐसा ना हो अबू सुफियान और उसका लश्कर इस जाम में, इस फ़ख्र में कि मुसलमानों को शिकस्त हुई, वापस मुड़कर मदीना पर हमलावर हो। हज़रत सलम दोबारा वापस रवाना हुए और इस मकाम तक, हमरतुल असद के मकाम तक उनका पीछा किया। हालांकि मुसलमान ज़ख्मी थे, मुसलमान नहायत कमज़ोर हो चुके थे, 70 उनके अफराद शहीद हो चुके थे, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लम ने ऐलान फरमाया कि जिन लोगों ने ग़ज़वाए उहद में हमारे साथ शिरकत की है वो हमारे साथ चले। यानी उन मुनाफिकीन का, वो जो 300 मुनाफिकीन का टोला अलहदा हुआ था अब्दुल्ला बिन अबी सुलोल की क़्यादत में, उनको इस ग़ज़वे में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली। मेरे साथ सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्होंने ग़ज़वाए उहद में हमारे साथ शिरकत की। और यहाँ से हज़रत सलम उनके पीछे रवाना हुए, लेकिन अबू सुफियान का लश्कर वापस मक्का जा चुका था। आज के ग़ज़वात की तारीख में इतना ही, मज़ीद अगले लेक्चर में।